मूवी का स्टार्ट उस इंसिडेंट के 5 साल बाद होता है जब गॉडज़िला ने किंग गिदोरा को हरा दिया था। कॉन्ग अब स्कल आइलैंड में मोनार्क की प्रोटेक्शन में है। कॉन्ग जब सोकर उठ के आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटी बच्ची जिया मिलने आती है। जिया आखिरी ईवी नेटिव है जिसे कॉन्ग एक्सपर्ट एलेन एंड्रयूज ने अडॉप्ट कर लिया था। जिया डेफ होने की वजह से कॉन्ग से साइन लैंग्वेज में बात करती है। जिया जब एलेन के पास वापस आती है तो एलेन वहाँ अपने वर्कर से बात कर रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्ग को ज्यादा देर यहाँ रखना मुश्किल है, जिस पर जिया कहती है कि उसे बाहर ले जाना भी खतरे से खाली नहीं है। गॉडज़िला मौका देखते ही इसे अटैक करने आ सकता है और वो लोग एक ही वर्ल्ड में दो टाइटंस को एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं। सीन्स बर्नी हाइस पे शिफ्ट होते हैं, जो एपिक साइबरनेटिक्स में काम करता है और टाइटन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पॉडकास्ट का होस्ट भी है। हाइस एपिक साइबरनेटिक्स से कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेता है जिसमें पेंसाकोला फैसिलिटी में हो रहे सिनिस्टर कामों की डिटेल्स होती हैं। तभी अचानक गॉडज़िला वहाँ अटैक करने आ जाता है। गॉडज़िला और ह्यूमंस की फाइट स्टार्ट होती है। गॉडज़िला प्लेन्स तोड़ते चीजों को डिस्ट्रॉय करते आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। हाइस उसे ये करते देख रहा होता है और नेक्स्ट डे ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। मैडिसन रसल, जो कि हाइस के पॉडकास्ट की बहुत बड़ी फैन है, अपने डैड मार्क रसल से ये सब डिस्कस करती है। वो कहती है कि हो सकता है किसी ने गॉडज़िला को प्रोवोक किया हो, यानी कि इस अटैक के लिए भड़का हो, लेकिन मार्क उसको सीरियस नहीं लेता है। यहाँ वॉल्टर साइमंस एपेक्स का सीईओ अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रेन के साथ नेथन लिन से मिलता है। नेथन एक हॉलो अर्थ थियरिस्ट और मोनार्क का एक्स एम्प्लॉय होता है। साइमन डॉक्टर लिन से कहता है कि हॉलो अर्थ के पावर सोर्स को ढूंढने में उनकी मदद करे। हॉलो अर्थ दरअसल टाइटन्स की दुनिया है। लिन पहले तो उनकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि उसने अपने भाई को एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की वजह से खो दिया था। उसके ख्याल में हॉलो अर्थ में जाना इम्पॉसिबल है, मगर साइमंस उसे बताता है कि एपेक्स ने एचईएवीज बना लिए हैं। एचईएवीज स्पेशल फेनोमिनल क्राफ्ट्स हैं जो ग्रेविटी फील्ड से निकलने वाले प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सुनके लिंड उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। लिंड के अनुसार एक टाइटन ही उन्हें अपने घर का रास्ता दिखा सकता है, मगर इसके लिए उन्हें एलेन की जरूरत पड़ेगी। लिंड एलेन से मिलके उसे अपनी हेल्प के लिए मना लेता है। लिंड एलेन जिया एपेक्स की टीम नेवी और साइमंस की बेटी माया के साथ कॉन्ग को लेके एंटार्क्टिका की तरफ बढ़ते हैं। बहुत तेज बारिश चल रही होती है। 48 आवर्स में ये लोग एंटार्क्टिका पहुंचने वाले होते हैं। लिंड को यकीन होता है कि कॉन्ग उन्हें हॉलो अर्थ के अंदर एनर्जी सोर्स तक पहुंचा देगा और वो लोग एचईएवीज की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन एलेन कुछ परेशान नजर आती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर गॉडज़िला यहाँ आ गया तो कॉन्ग और उसके बीच बहुत लड़ाई होगी। रात अचानक कॉन्ग हाइपर हो जाता है, जिस पर जिया उसके पास जाती है। वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और जिया उसको काम डाउन करती है। एलेन जिया को अपने साथ अंदर जाने का कहती है, मगर जिया जाने से मना कर देती है। एलेन जिया को बताती है कि वो लोग कॉन्ग को हेल्प करने के लिए यहाँ लाए हैं। जिया कहती है कि कॉन्ग ने उसे बताया है कि वो लोग गलत सोच रहे हैं। तभी कॉन्ग साइन लैंग्वेज में होम बोलता है और एलेन देखती रह जाती है। यहाँ मैडिसन अपने फ्रेंड जॉश के साथ गॉडज़िला के अटैक की छानबीन करने निकल जाती है। मैडिसन हाइस के पास जाती है ताकि वो उससे एपेक्स और गॉडज़िला के इंसिडेंट पर बात कर सके। मैडिसन और हाइस के गॉडज़िला के एपेक्स पे अटैक के ओपिनियन सेम होने की वजह से वो लोग एक टीम बन के काम करने का सोचते हैं। एलेन जिया से पूछती है कि उसने एलेन को क्यों नहीं बताया कि कॉन्ग उससे कम्युनिकेट करता है, जिस पर जिया कहती है कि वो नहीं चाहता था कि किसी को इस बात का पता चले, लेकिन अब तो सब जान गए हैं। ये सोच के जिया थोड़ा सैड हो जाती है। यहाँ लिंड एलेन से कहता है कि वो जिया को कह के कॉन्ग को इनकी हेल्प के लिए करे, मगर एलेन इस बात से मना कर देती है। गॉडज़िला इनके शिप पे अटैक करने आ जाता है और इनके शिप डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ता है। ये लोग प्लेन से उस पे फायरिंग करते हैं, मगर वो तो गॉडज़िला है, किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, उसे कैसे कुछ हो सकता है। गॉडज़िला हर तरफ तबाही शुरू कर देता है, जिसके बाद वो कॉन्ग की तरफ बढ़ता है और उसकी शिप को भी उल्टा देता है। शिप में हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। गॉडज़िला अब कॉन्ग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के लिंड कॉन्ग की चेन्स खोल देता है, जिसके बाद स्टार्ट होती है इस मूवी की सबसे ट्रेजिक और मेमोराइजिंग फाइट। कॉन्ग और गॉडज़िला आगे बढ़ के एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। कॉन्ग सी से बाहर आकर शिप को सीधा करता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। कॉन्ग शिप्स के ऊपर से जंप करते हुए गॉडज़िला के पास जा पहुंचता है, जिसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर गॉडज़िला के ऊपर फेंक के उस पे अटैक करता है। कभी कॉन्ग गॉडज़िला को पंच करता है तो कभी गॉडज़िला कॉन्ग को, जिसके बाद
बाद कॉन्ग गॉडज़िला को पुश करके पानी में फेंक देता है। गॉडज़िला अपने मुंह से लेजर निकाल के कॉन्ग के शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद पानी के अंदर कॉन्ग पे अटैक करता है। कॉन्ग उसे पुश करके पानी से बाहर आने की कोशिश करता है, मगर गॉडज़िला उसे पकड़ के और अंदर ले जाता है। इलेन कॉन्ग की मदद के लिए पानी के अंदर बॉम्ब्स फेंकवाती है, जिसके ब्लास्ट होते ही कॉन्ग गॉडज़िला से बचता हुआ शिप के ऊपर आ जाता है, मगर गॉडज़िला उसकी जान नहीं छोड़ता है। इलेन कहती है कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इनमें से एक सरेंडर नहीं कर देगा। ये सुन के लैंड शिप के गन्स, इंजन्स सब बंद करवा देता है, ताकि वो गॉडज़िला को शो करवा सके कि वो जीत गया है। ये ट्रिक काम करता है। हर जगह खामोशी और कॉन्ग को ऐसे बेहोशी की हालत में देख गॉडज़िला वहाँ से चला जाता है। मैडिसन हाइज और जॉर्ज के साथ एपेक्स की डिस्ट्रॉयड फैसिलिटी में घुस जाती है, जहाँ वो लोग सब लेवल 33 को डिस्कवर करने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी देखने को मिलती है। किसी को आता सुन के ये तीनों मोनोरेल ट्रांसपोर्ट के अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें स्कल क्रॉलर्स देखने को मिलते हैं। वो लोग उसी ट्रांसपोर्ट में लॉक हो जाते हैं और वो मूव करना शुरू हो जाती है, जो एपेक्स हेडक्वार्टर्स हांगकांग जा रही होती है। यहाँ एपेक्स की टीम लैंड और एलेन जान चुके होते हैं कि कॉन्ग को सी से ले जाना अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो उसे बाय एयर ले जा रहे होते हैं। ये सब एंटार्क्टिका होलो अर्थ लॉन्च सेंटर पहुँच जाते हैं, जहाँ जिया कॉन्ग से कम्युनिकेट करके उसी होल के अंदर जाने को कहती है। कॉन्ग उसकी नहीं सुनता है, जिस पर एलेन जिया से कहती है कि उसे बताए कि उस होल के अंदर उसके जैसे और भी हो सकते हैं। ये सुन के कॉन्ग उस तरफ बढ़ जाता है। ये सब HEAV पे बैठ के उसके पीछे निकल जाते हैं। कॉन्ग को फॉलो करते ये लोग ग्रेविटी होल से निकल कर टाइटन्स की दुनिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ एक मिनट के लिए तो लगता है कि HEAVs ने भी काम करना छोड़ दिया है, मगर जमीन से लगने से पहले इंजन काम करना शुरू हो जाता है और ये लोग बच जाते हैं। कॉन्ग के पीछे पीछे जाते ये लोग टाइटन्स का वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ बहुत से डिफरेंट क्रिएचर्स होते हैं, मगर ये एक्सप्लोर करना महंगा पड़ जाता है। तभी अचानक HEAV-3 पे एक फ्लाइंग क्रिएचर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो इनके HEAV पे अटैक करने लगता है, मगर कॉन्ग उसे टेल से पकड़कर उनको बचा लेता है। वो एक को तो मार देता है, दूसरा कॉन्ग को पकड़ लेता है, जिससे उसे ये लोग फायरिंग करके बचाते हैं, और फिर कॉन्ग उसका भी काम तमाम कर देता है। कॉन्ग तो उसका सर ही बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग एक माउंटेन पे चढ़ता है और फिर ग्रेविटी की मदद से उसके ऊपर वाले माउंटेन पे चला जाता है। हांगकांग एपेक्स हेडक्वार्टर्स पहुंच के मैडिसन और हाइज देखते हैं कि साइमंस ने गॉडज़िला की रोबोटिक फॉर्म बनाई है, जिसे रेन प्रोसेस कर रहा होता है। वो लोग इस रोबोटिक गॉडज़िला पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक क्रिएचर छोड़ते हैं, जिसे गॉडज़िला चंद लम्हों में दो टुकड़े करके मार देता है, मगर तभी वहाँ पावर चली जाती है और गॉडज़िला रुक जाता है। यही वजह है कि साइमंस ने अपनी बेटी को हॉलो अर्थ भेजा है, ताकि साइमंस हॉलो अर्थ की एनर्जी को लेकर मैके गॉडज़िला को सबसे पावरफुल बना सके। इन सबको एहसास होता है कि यही वजह हो सकती है कि गॉडज़िला ने एपेक्स की फैसिलिटी पर अटैक किया था, क्योंकि ये लोग उसे रिप्लेस करने की ट्राई कर रहे हैं। गॉडज़िला हांगकांग की तरफ निकल जाता है। यहाँ कॉन्ग इन सबको लेके पार सोर्स तक पहुँच जाता है। अंदर जाने पर कॉन्ग डायनासोर के स्केलेटन में से एक्स निकालता है और जोर से रोर करता, यानी के धारता है, जैसे कि वो घर आ गया हो। कॉन्ग जाके बहुत ही स्टाइल से अपने थ्रोन पे बैठ जाता है। सीन्स मेडिसन की टीम पे शिफ्ट होते हैं, जो एपेक्स में मजीद ये डिस्कवर करते हैं कि साइमंस मॉन्स्टर जीरो का भी रोबोट तैयार कर रहा है। गॉडज़िला हांगकांग पहुंच के डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। इलेन और उसकी टीम एक इकोसिस्टम ढूंढ के HEAV से बाहर आ जाते हैं। कॉन्ग के हाथ में जो एक्स होता है वो एक गॉडज़िला की डोर्सल प्लेट से बना होता है। उसी एक्स को की तरह यूज करने से एनर्जी सोर्स सामने आ जाती है। माया उससे सिग्नेचर लेके हांगकांग भेज देती है। इलेन जब उसे ऐसा करने से रोकती है तो माया उन सबको हॉस्टेज बना लेती है। कॉन्ग ये देख के गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ तबाही शुरू हो जाती है। कॉन्ग और बाकी क्रिएचर्स एपेक्स की टीम पे अटैक कर देते हैं। माया तो HEAV के अंदर चली जाती है, मगर इलेन, जिया और लिंड के सामने क्रिएचर्स आ जाते हैं। तभी गॉडज़िला कॉन्ग के थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। माया की टीम कॉन्ग पे फायरिंग करके वहाँ से निकलने की ट्राई करती है, जिसपे कॉन्ग उन सबको मार देता है और अपना एक्स लिए गॉडज़िला से फाइट करने निकल जाता है। इलेन, लिंड और जिया उसके पीछे हांगकांग पहुँच जाते हैं। मैडिसन, जोश और हाइज को सिक्योरिटी पकड़ लेती है और साइमंस के पास ले जाते हैं। कॉन्ग और गॉडज़िला की एक बहुत ही इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही गुस्से में एक दूसरे पे अटैक करते हैं। कॉन्ग
कॉन्ग एक्शन में आकर गॉडजिला को बहुत मारता है, ऐसे जैसे अब बस हरा ही देगा, जिसके बाद एक्स उसके मुंह में दे मारता है। गॉडजिला जब लेजर से कॉन्ग पर अटैक करता है तो कॉन्ग खुद को एक्स की मदद से ही प्रोटेक्ट करता है। गॉडजिला एक्स को दूर फेंक के कॉन्ग पे फिर से लेजर से अटैक करता है। कॉन्ग बचते हुए भागता जख्मी भी हो जाता है, मगर हार नहीं मानता और वापस एक्स पकड़ के उस पे अटैक करने जाता है और इस बार एक्स गॉडजिला के सर पे मारता है। मैडिसन साइमंस पे बहुत गुस्सा होती है कि गॉडजिला चला गया था, मगर ये साइमंस है जिसने उसे प्रोवोक करके वापस बुलाया है। गॉडजिला बहुत ही ढीठ साबित होते हुए फिर उठ खड़ा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कॉन्ग उसे ट्रिक करके पीछे से अटैक करता है और बहुत मारता है, मगर गॉडजिला उसे दूर फेंक देता है। गॉडजिला कॉन्ग पे हावी होकर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो कॉन्ग को एक इंटेंस लुक देते हुए वहाँ से चला जाता है। साइमंस मैकगॉडजिला को एक्शन में ले आता है, जो साइमंस पे अटैक करके उसे ही मार देता है। उस एनर्जी को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से जैन की भी डेथ हो जाती है। मैकगॉडजिला फैसिलिटी से बाहर आकर गॉडजिला से लड़ाई शुरू कर देता है। फिर से एक इंटेंस फाइट स्टार्ट होती है। मैकगॉडजिला गॉडजिला को जमीन पर फेंक देता है और उसका बुरा हाल कर रहा होता है। जिया कॉन्ग के पास पहुंच जाती है और यहाँ मैडिसन मैकगॉडजिला को डाउन करने की ट्राई में लग जाती है। लिंड कॉन्ग को मरते देख एनर्जी देके होश में आता है। जिया कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला उनका एनिमी नहीं है, जिस पर कॉन्ग आगे बढ़ के गॉडजिला को उस रोबोटिक गॉडजिला से सेव करने लग जाता है। ये देख गॉडजिला भी उसकी मदद करने आ जाता है और वो दोनों मिलके उस रोबोटिक गॉडजिला को टफ कंपटीशन देते हैं, मगर फिर भी उसे हराना मुश्किल हो रहा होता है। कॉन्ग को तभी अपनी एक्स नजर आती है। वो एक्स से रोबोटिक गॉडजिला पे अटैक करता है। यहाँ जॉर्ज सिस्टम पे पानी गिरा के उसे एक्सप्लोड कर देता है, जिस पर रोबोटिक गॉडजिला का सिस्टम खराब हो जाता है। इस बात का फायदा उठा के गॉडजिला और कॉन्ग मिल के उसे रास्ते से हटा देते हैं। उसकी बॉडी को बुरी तरह तबाह करते हुए उसे फुली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद सब अपनी फैमिली से रीयूनाइट करते हैं, मगर तभी लगता है कि गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में फिर लड़ाई शुरू होने लगी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉन्ग अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए एक्स को नीचे फेंक के पीस का मैसेज देता है, जिसे देख गॉडजिला वापस पानी के अंदर चला जाता है। लास्ट सीन्स में कॉन्ग भी जिया को बाय बोलते हुए वापस अपने घर चला जाता है और यहीं मूवी एंड हो जाती है।